ये दो सवाल पूछ रहे हैं आप। ये पहले एक सवाल पूछिए, पहला क्या कि मोह माया मनी जब टाइटल सुना कैसा लगा? जब पहली बार मोह माया मनी टाइटल मुनीश ने मुझे बताया उसकी स्क्रिप्ट का है, तो मैं बहुत खुश था, बिकॉज बहुत कैची टाइटल है और बहुत एक अच्छे अंदाज में पूरी फिल्म को सेटअप करता है, बिकॉज जो हमारी फिल्म है वो मिडिल क्लास करप्शन के बैकड्रॉप में एक शादीशुदा कपल की कहानी है, किस तरह से एक छोटी सी गलती, एक गलती की वजह से उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो मतलब तहस नहस हो जाती है। ये इन अ नटशेल कहानी है। तो जो मोह माया मनी टाइटल है, आई थिंक बहुत बढ़िया टाइटल है फिल्म के लिए, कैची भी है और फिल्म जिस बारे में है वो भी बताता है। थिंक मुझे किसी तरह प्रॉब्लम हुई एज सच, पर अगर आप तैयारी की बात करें, आई एक्चुअली हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट। बहुत कुछ बदलाव लाना था सिर्फ दो दिन के अंदर, इन लेस देन 48 आवर्स ATM मशीन्स स्टार्टेड वर्किंग। चाहे वो लिमिट बहुत कम थी, पर यू नो 500 और 1000 के पुराने नोट निकालने पड़े, उन सब को निकाल के देन दे हैड टू इंक्रीज द स्पेस बिकॉज द 2000 रुपी नोट इज़ बिगर। इतना कुछ हुआ है सो आई फील दैट, एंड इसके पहले भी यू नो दे मेड श्योर कि एवरीबडी हैज़ एन आधार कार्ड, जितने लोग जितने ज़्यादा हो सके उनके बैंक अकाउंट्स हों। सो यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट्स हैपेंड ओवरनाइट, बट द वे द गवर्नमेंट हैज़ डन इट हैज़ बीन फिनोमिनल। और जैसे रणवीर ने कहा टू अगेन सेकेंड व्हाट ही सेइंग, अगर आप ब्लैक मनी की बात करें, देर इज इट्स दिस इज प्रॉबली द स्मार्टेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ इट। एंड आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी अपार्ट फ्रॉम ब्लैक मनी वॉज फेक नोट्स एंड फेक करेंसी, और उसको भी इतनी जल्दी, अगर यू नो इट्स बीन अ कम्प्लीट वाइप आउट ऑफ एवरीथिंग विच इज़ ग्रेट। एंड जब भी किसी चीज़ में कोई चेंज आ रही है, यू ऑलवेज हैव टू टेक टू स्टेप्स बैक टू टेक फोर स्टेप्स फॉरवर्ड, एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टेप। बहुत अच्छा रहा। देखिए रणवीर और नेहा मेरे दोस्त हैं पहले, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, और नेहा के साथ मैंने पहले काम नहीं किया, लेकिन रणवीर के साथ मैंने पहले काम भी किया हुआ है थिएटर में। तो ऑब्वियस चॉइस थी, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने इन दोनों को सोच के ही स्क्रिप्ट लिखी थी, और मैं अगर ये मना कर देते दोनों में से कोई भी मना कर देता तो मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। लेकिन आई वाज वेरी हैप्पी, दोनों को स्क्रिप्ट अच्छी लगी और एवरीबडी केम ऑन बोर्ड। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी सीरियसली। देखिए मैंने 2-4 थ्रिलर फिल्में करी हैं, और जो जॉनर है थ्रिलर का वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है, बिकॉज उसमें जो ड्रामा और सस्पेंस का जो एलिमेंट है, मैं मानता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीका है ऑडियंस को इंगेज करने का, एज़ अपोज टू कॉमेडी जो कि भी मैं करता हूँ। तो बट यही है कि थ्रिलर में स्क्रिप्ट और प्लॉट एकदम अच्छा होना, टाइट होना, करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, फिल्म की पेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो मुनीश ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी दैट हैड ऑल दीज थिंग्स, एक जो एक क्या कहते हैं एज ऑफ द सीट रहना, कि आपको हमेशा लगता रहे कि अब क्या होगा, और फिर वो प्रिडिक्टेबल ना होना कि ये होगा और नहीं वो नहीं निकला, तो दैट इज थ्रिलर का ये एक एलिमेंट बहुत जरूरी है। मुझे अच्छी चीजों से लगा, देखिए एक गाना अच्छी चीजों से एक शेर अर्ज है कि तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों इतना मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। वो जो गाना है वो नेहा दूसिया के लिए लिखा गया, वो मेरे लिए नहीं लिखा गया था, उसमें अक्षय कुमार और कटरीना मेन लीड थे, मैं तो सपोर्ट स्टाफ थी। मैं बस अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी 25 नवंबर को हमारी फिल्म मोह माया मनी आ रही है, प्लीज जाके देखिए, और The topic is very relevant. एक thriller है, बहुत देर के बाद एक इतना interesting thriller आ रहा है. And if you enjoy the film, go spread the good word. Twitter, Facebook, Instagram पर तो डालते ही रहिए. And then बार बार आइए हमारी फिल्म देखिए. And make it a big success. Thank you. मैं यही कहूँगा कि 25 नवंबर को मोह माया मनी सिनेमाघरों में आ रही है, प्लीज़ जाकर फिल्म देखें। अगर आपको अच्छी फिल्में पसंद हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, ना सिर्फ पसंद आएगी, आप दूसरी बार देखना चाहेंगे कि ये जो मैं पहली बार में छूट गया था वो क्या था, वहाँ वो जाकर वापस देखूँ, ताकि आपको पूरा जो थ्रिलर और सस्पेंस का मज़ा आए।